वो करोड़ों की मालकिन है। उसके पास 3 करोड़ का बंगला है। वो एसयूवी की सवारी करती है, रोज बेचती है छोले कुलचे। मेहनत की मिसाल है उर्वशी। ये महिला करोड़पति है, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। 3 करोड़ के बंगले में रहती हैं, एसयूवी की सवारी करती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमूमन दिल्ली के आसपास के शहरों की कहानी है, तो इसमें अलग क्या है? जी हाँ, उर्वशी अलग है औरों से, बिल्कुल अलग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहने वाली उर्वशी की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, महिला अपने छोले कुलचे के ठेले पर पहुंच जाती है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि जो महिला 20 रुपए प्लेट छोले कुलचे आपको बेच रही है, वो करोड़ों की मालकिन है। 29 साल की उर्वशी यादव के पास 3 करोड़ का बंगला और एसयूवी जैसी लग्जरी गाड़ी है। बावजूद इसके वो छोले कुलचे का ठेला लगाती है। जब इसकी वजह आपको मालूम होगी तो आप इस महिला को सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। एक हादसे ने बदल दी है उर्वशी की जिंदगी। उर्वशी पहले स्कूल टीचर थी, उनके पति भी एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्टर थे, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उर्वशी ने जब देखा कि पति अब आर्थिक रूप से परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद परिवार की जिम्मेदारी उठाने की ठान ली और ये काम शुरू कर दिया। एक्चुअली लास्ट 31 मई को मेरे हस्बैंड का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ घर के अंदर ही, एंड उसमें इनके पैर का टो टूट गया था, एंड वो चीज थोड़ा सा शॉकिंग थी। मेरे हस्बैंड से पूछा क्या कर सकते हैं, कि कुछ नहीं, अगर मेरे पास जॉब नहीं भी रहेगी तो मैं कुछ नया काम शुरू कर लूंगा। मैंने कहा तो हम क्या कर सकते हैं। दिन मेरे एक दिन मेरे माइंड में आया कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, हम लोग कुछ ऐसा छोटा सा काम शुरू करते हैं जिससे हम खाना को आगे प्रमोट कर सकते। मुश्किल वक्त की तैयारी उर्वशी ठेला लगाकर कर रही है। वो जो भी पैसे कमाती है उससे वो अपने परिवार का खर्चा पाल रही है। उर्वशी की माने तो वो रोजाना 3 से 4 हजार रुपए छोले कुलचे बेचकर कमा लेती हैं, जिससे वो अपने परिवार की मदद कर पा रही हैं और अपने पति का सहारा बन सकी हैं। उनका ये डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, तो हम उनको रोकने वाले कौन होते हैं। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि जो आदमी बढ़ता है ना, चाहे वो लेडी हो या जेंट, तो उसको पकड़ के टांग चाहिए। उर्वशी के प्रयास को हर कोई सलाम कर रहा है। जिंदगी से कुछ ना खो जाए इसलिए उर्वशी अभी से इस कदर मेहनत कर रही हैं। जज्बा ऐसा है कि बड़े से बड़ा पैसे वाला इनको सल्यूट करता है।